तो आज मेरे 75 नीट हार्ड चैलेंज को पूरे 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज है उसका 11वां दिन और आज है डेट 13 अक्टूबर 2023। तो आज मेरे पूरे 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं मेरे 75 नीट हार्ड चैलेंज को, पर यहाँ तक आने में 10 डेज कंप्लीट करने में बहुत ही मेहनत लगी है। मतलब कि कभी कभी मन नहीं करता है कि क्या पढ़े क्यों पढ़े, थोड़ा मोबाइल देख ले, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा नहीं पढ़े आज, बट फिर मन करता है कि फिर जैसे माइंड में आता है कि मैंने तो ये चैलेंज ले रखा है 75 हार्ड चैलेंज, जिसे मुझे पूरा अपने नीट के एग्ज़ाम तक पूरा इसको फॉलो करना है लगभग 500 दिन तक। तो अगर आज मैं इसको अनफॉलो कर दूंगा तो फिर फॉलो करना ही होगा, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। इसलिए अंदर से एक इनर मोटिवेशन आती है और फिर पढ़ने का और मन करता है, फिर कैसे भी करके डेली 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जिस स्लिप में मैं लिखता हूँ कि मैंने डेली कितने आवर्स किया और डेली मैंने क्या क्या टारगेट लिया था, उसमें आप जाकर यही पाएंगे कि जब स्टार्टिंग मैंने किया था तो उस समय 14 घंटे 13 घंटे 13 घंटे ऐसे हो रहा था, बट 3-4 दिन बाद लगभग 12 घंटे पे आ गया था और अब डेली वही मिनिमम 12 मैक्सिमम 12 घंटे ही जा रहा है। पर मुझे 12 घंटे को मिनिमम बनाना है और इसको फिर से अब 13 घंटे 14 घंटे तक ले जाना है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। और आपके कितने दिन कंप्लीट हुए हैं आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए उसके बाद अपना आज का टारगेट लिख लेते हैं। तो आज है 11th डे ऑफ 75 नीट हार्ड चैलेंज और डेट है आज 13 अक्टूबर 2023। तो जानते हैं कि इस नीट हार्ड चैलेंज में आपको लगभग 12 से लेकर 16 घंटे तक की स्टडी करनी होती है, मिनिमम तो 12 करना ही करना है। आप इसमें स्कूलिंग इंक्लूडिंग स्कूल, आपके सेल्फ स्टडी, आपका कोचिंग, आपकी क्लासेस सारे इसमें इंक्लूडेड है, यानी टोटल आपका स्टडी टाइम मिनिमम 12 घंटे से मैक्सिमम 16 घंटे होना चाहिए। और फिर इसमें आपको डेली टारगेट अपना लिखना है, उसको कंप्लीट करना है और फिर कुछ टाइम रिवीजन के लिए देना है। तो अपने दिन से एक और दिन माइनस हो चुका है और आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मुझे नेट का प्रिपरेशन करते हुए पूरे 195 डेज हो चुके हैं। आज उसका 195 डेज, तो 195 डेज तो कंप्लीट हो चुके हैं और अपने नेट टारगेट यानी नेट 2025 को बचे हुए हैं 565 डेज। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 12:30 बज रहे हैं, तो मैं 12:30 बजे उठता हूँ, लगभग 12 से 1 बजे करीब उठता हूँ, क्योंकि मैं रात में लेट नाइट तक स्टडी करता हूँ, इसलिए मैं रात में लगभग 4 से 5 बजे सोता हूँ, इसलिए दिन में इस टाइम उठता हूँ। तो चलिए आज के स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आज का अपना टू डू लिस्ट बनाया, तो आप भी ऐसा टू डू लिस्ट अपना बनाया करिए, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि आज मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो उस पर देख के आप अपना टारगेट करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं मेरा डेली का टारगेट 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर 11 12 अक्टूबर का सारा अब कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। तो आज 13 अक्टूबर 2023, तो चलिए आज का सारा टारगेट लिख लेते हैं। तो मेरा तो डेली का टारगेट ये फिक्स रहता है कि मुझे 4 लेक्चर देखना है और फिर अपने नोट्स बनाना है, कुछ क्वेश्चन करना है, फिर 1 चैप्टर का रिविजन करना है। तो आज मैं करूँगा अपने इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 और ये इवोल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है, और फिर अपने एनाटॉमिंग इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 7 और ये लेक्चर इस चैप्टर का भी लास्ट लेक्चर है, इसके बाद मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का शुरू करूँगा। और इसको करना है केमिकल बॉन्डिंग का, जो आज लेक्चर लाइव लेक्चर आने वाला है लेक्चर नंबर 6, उसको करना है। और फिर NLM का यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का मुझे लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट करना है, उसको फिर कुछ नोट्स बनाऊँगा क्योंकि मेरे कुछ चैप्टर के मैंने नहीं लिखे हैं, तो उस चैप्टर के नोट्स बनाऊंगा, फिर 1 चैप्टर रिवीजन करूंगा, फिर थोड़ी सी NCERT का रीडिंग लगाऊंगा और बस आज के लिए बस इतना ही करूंगा। तो मैंने क्या किया कि एक लॉन्ग टर्म में अपना गोल बनाया कि मुझे मार्च तक अपना सारा सिलेबस नीट का कंप्लीट कर लेना है। तो अभी तुम आज मेरा लगभग जूलॉजी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरा बॉटनी कंप्लीट होगा एंड देन ऐसे ही। तो इसके लिए मैंने एक लॉन्ग टर्म 3-4 महीने का सारा प्लान बना लिया है कि मुझे इस दिन क्या स्टडी करना है, तो इससे थोड़ी आसानी रहती है और गोल अपना क्लियर रहता है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं होता है और ज़्यादा मैक्सिमम आप इनपुट दे सकते हैं जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो अभी ऐसा ही करिए, अपना एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए कि मुझे इस तारीख तक इस इतने महीने में मुझे ये कंप्लीट कर लेना है और उसके हिसाब से मुझे आज क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, एक वीक में क्या करना है, ये अपना गोल बनाते रहिए। तो मैं तो पहले अपना लेक्चर लगाया था इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 जो कि लास्ट लेक्चर है, और ये मैं करता हूँ MD सर से, जैसा कि आप जानते ही हैं, और ये यहाँ पे मिले आज
सिलेबस कंप्लीट हो गया जूलॉजी का, पर अभी जैसे कुछ चैप्टर थे जैसे बायोमालिक्यूल्स, उसमें मेरा आधा थोड़ा सा बैकलॉग है, और ऐसे ही कुछ है तो कुछ चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। तो मैंने लगभग अगर देखा जाए लेक्चर के हिसाब से, तो लेक्चर के हिसाब से आज मेरा कोर्स एंड हो चुका है जूलॉजी का, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बज चुके हैं अभी शाम के। तो इसके बाद मैं अपना बॉटनी स्टार्ट करूँगा। तो इसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट लेक्चर लगाया बॉटनी का। तो बॉटनी जैसे कि आप जानते हैं कि मैं तरुण से पढ़ता हूँ, और ये मेरा जो एनाटॉमिंग फ्लावरिंग प्लांट का है चैप्टर है वो भी आज कंप्लीट हो गया। आज उसका लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, तो ये कंप्लीट हो गया है। और कल मैं इसका अगला चैप्टर लगाऊंगा जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये मैं तरुण सर से पढ़ता हूँ, और जो कि यकीन 2.0 2023 वाला बैच में थे तो उसी से मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने जो यकीन 2.0 2024 इस साल का बैच मैंने लिया है उसमें मुझे 23 का सारा बैच फ्री मिला है, तो इसलिए मैं उसी बैच से कर लेता हूँ। तो अभी लगभग 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं बॉटनी में, और अभी लगभग 10 से 11-12 चैप्टर बाकी हैं बॉटनी में, क्योंकि अभी 3 से 4 चैप्टर रिमूव हुआ है बॉटनी में, तो इसलिए थोड़ा सा ईजी हो गया है, पर हाँ डीप रिविजन करना पड़ेगा। तो फिर बॉटनी का करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो खाना ना खाया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, लगभग आधे घंटे का मैंने ब्रेक लिया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर लगाया जो कि था फिजिक्स का, तो फिर फिजिक्स मैंने कंप्लीट किया। तो जब मैंने फिजिक्स कंप्लीट किया तो लगभग रात के 10 बज चुके थे, तो उसको मैंने अपना रात का डिनर किया, खाना खाया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा टहला वहला, और फिर रात में अपना नेक्स्ट लेक्चर लगाया जो कि था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का। तो फिर मैंने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट किया, इसे करने में लगभग 2 घंटे लग गए। तो 2 घंटे का लेक्चर था, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा करना होता है। तो अभी मेरा दोनों लेक्चर कंप्लीट हो गया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, और अभी टाइम लगभग हो चुका है 2 बज गए हैं रात के, क्योंकि मैंने खाना खाने के बाद अपना केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, तो उसमें लगभग 2 से 2.5 बज चुके हैं रात के। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि थोड़ा अपना रिवीजन किया, जो मेरा नोट्स बाकी था मैंने अपना नोट्स कंप्लीट किया, फिर थोड़ा अपने नोट्स का रिवीजन किया, मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई, क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप न्यू एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, उसमें बस जो डिलीटेड सिलेबस है उसको अलग छाड़ दीजिए। उसका फिर मैंने अपना फिजिक्स का एक बार रिवीजन किया। तो जानते हैं कि मैंने फिजिक्स मेड इजी बुक लिया है जो कि MR सर का बुक है, तो मैंने उसके लिया है, और उससे मेरा सारा फिजिक्स का रिवीजन हो जाता है, क्योंकि जो सर क्लास नोट्स लिखवाते हैं वो सेम इसी में है और थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो फिर आज मेरा नीट हार्ड चैलेंज का लगभग 11 दिन कंप्लीट हो गया है, और आज के बाद सारा टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। तो आज भी मेरा लगभग स्टडी टाइम था 12 घंटे लगभग, मेरा स्टडी टाइम आज भी था 12 घंटे कुछ 30-40 मिनट, पर मैं इसको कल से इंक्रीज करूँगा, कल लगभग 14 घंटे का इस मैं स्टडी सेशन करूँगा, कल से मैं इसको धीरे धीरे इंक्रीज करूँगा। और इसके साथ आज के ये दिन यानी 13 अक्टूबर 2023 समाप्त हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, और आपको कुछ भी नोट्स चाहिए या फिर शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।